2010 और 2011 में इतना पतला हुआ करता था कि मैं टी शर्ट नहीं पहनता था। और एक बार टी शर्ट पहन के मैं बाहर चला गया था, मेरा एक दोस्त मिल गया, उसने कहा यार बीमार हो गया क्या। उसके बाद से ना मैंने सारी टी शर्ट फेंक दी, क्योंकि उस टाइम मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि यार तुम पे क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें क्या पहनना चाहिए जिसकी वजह से तुम मोटे लग सकते हो, तुम ब्रॉड लग सकते हो। लेकिन अगर तुम पतले हो तो यार इस बात की टेंशन नहीं लो कि तुम कैसे लगोगे, तुम्हें क्या पहनना चाहिए, क्योंकि आपका भाई इधर है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसकी वजह से आप भरे हुए लग सकते हो, आप थोड़े बल्कि लग सकते हो। तो अगर आप पतले हो तो आखिर तक वीडियो देखो। दिस इज यासिर खान फ्रॉम FNF। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन फेसबुक, और फैशन के बारे में बहुत कुछ सीखें। टिप नंबर 1 इज द फिट। मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ कि यार जब भी तुम कपड़े खरीदो, कपड़े पहनो, तो यार अपनी बॉडी के हिसाब से लो। कोई जरूरत नहीं है लूज कपड़े पहनने की, कोई जरूरत नहीं कपड़े टाइट पहनने की। अब ये शर्ट देखो मेरी, यार ये देखो ना, ये बहुत टाइट है ना ये बहुत लूज है। मतलब मेरे फिटिंग के हिसाब से अगर मैं इसको इतना टाइट पहन लूँ, मतलब अजीब ही लग रहा हूँ यार। ऐसा लग रहा हूँ कि यार पता नहीं क्या, मैं वो नहीं होते जिम के अंदर ट्रेनर होते हैं जो बिल्कुल टाइट शर्ट पहना था कि अभी फट जाएंगे, उस तरीके का लगूंगा। तो यार जो तुम्हारी बॉडी है ना, जो तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, भले तुम मोटे हो भले तुम पतले हो, अपनी बॉडी के लिहाज से कपड़े पहनो, अपने बॉडी के लिहाज से कपड़े बनवाओ। और अगर तुम पतले हो तो लूज कपड़े तो कतई तौर पे मत पहनना, ऐसा लगेगा कि हैंगर में ना किसी ने कपड़े टांग दिए। नो फॉर लूज कपड़े एंड नो फॉर जो बिल्कुल टाइट कपड़े होते हैं ना, अपने बॉडी के हिसाब से कपड़े लो। अगर मैं भी लूज शर्ट पहनूँ ना, मतलब मैं भी इतना बुरा लगूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और टाइट कपड़ों में ही बुरा लगूंगा और लूज में ही बुरा लगूंगा, तोता है मेरा। मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि क्या आपकी शर्ट की फिटिंग होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर मैं एंड में अटैच कर दूंगा। तो ये सारी वीडियो देखना कि पैंट कैसी होनी चाहिए, शर्ट कैसी होनी चाहिए, आपका ब्लेजर कैसा होना चाहिए, सब देखना। शर्ट की बात कर ही रहा हूँ, दैट मेक्स मी जंप टू माय सेकंड पॉइंट जो के है शर्ट, मतलब अपर बॉडी। लेट्स स्टार्ट विद टी शर्ट। अगर तुम पतले हो ना तो वी नेक टी शर्ट ना पहनो, क्योंकि वी नेक में क्या होता है कि आपकी बॉडी थोड़ी एक्सपोज होती है, आपके अगर बोन्स हैं इधर, कॉलर बोन्स होंगी वो यार इतनी दिखेंगी, इतनी प्रोमिनेंट होंगी, तो तुम और पतले लगोगे। ट्राई टू वेयर क्रू नेक शर्ट। क्रू नेक आपका अच्छा खासा पार्ट बॉडी का छुपा देती है और लगती भी बहुत अच्छी है। अगेन आई एम सेइंग कि अपने कपड़ों की फिटिंग करवाओ, लूज कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना, फिटिंग करवा लो। या शहर में हर जगह फिटिंग वाले बैठे हैं तो तुम्हारे कपड़े वो फिट कर देंगे, भले कोई तुम्हारा कोट हो, तुम्हारा पैंट हो, तुम्हारा ट्राउजर हो, तुम्हारी टी शर्ट हो, हर तरीके का कपड़ा आजकल फिट हो जाता है। लेकिन अगर तुम फिटिंग नहीं करवाते तो यार हाफ स्लीव की टी शर्ट अवॉइड करना, वेयर फुल स्लीव टी शर्ट, क्योंकि यार फुल स्लीव का ऐसा होता है कि वो आपके अच्छा खासा बॉडी का पार्ट कवर कर लेती, तो आप इतने पतले नहीं लगते। कोई जस्टिन बीबर या रैपर किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं, अपनी बॉडी के हिसाब से कपड़े पहनो यार। वो लोग कुछ भी पहने ना, मतलब वो कॉन्सर्ट बगैर शर्ट के करें तो वो चल जाते हैं, हम हैं वो हैं यार। टी शर्ट के साथ पोलो शर्ट आर बेस्ट फॉर स्किनी पीपल, क्योंकि होता क्या उनमें होते हैं कॉलर, और कॉलर जो है ना आपकी गर्दन का अच्छा खासा पार्ट छुपा देती हैं। पोलो शर्ट हेल्प करती है कि आप थोड़े से भरे भरे लगो, जो आप इतने पतले सूखे होते हो वो छुप जाता है पोलो शर्ट से। पोलो शर्ट में एक और खासियत ये होती है कि उसकी जो स्लीव होती है ना वो रिबिट स्लीव होती हैं, अगर आप देख सकें ये इस तरह की स्लीव होती हैं। अगर आप टी शर्ट को देखें, टी शर्ट का कपड़ा ऐसा होता है कि वो थोड़े टाइम में, मतलब आप ज़्यादा पहनो तो वो लूज हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि पतले पतले हाथ निकल रहे होते हैं, लेकिन पोलो शर्ट की स्लीव्स कभी लूज नहीं होती, वो हमेशा आपकी बॉडी के लिहाज से आपकी बॉडी से चिपकी हुई होती है। मतलब अगर आपके तो बाइसेप बने होंगे ना तो वो क्या तो लुक देती हैं, लेकिन अगर बाइसेप नहीं भी बने कोई बात नहीं यार, मतलब आप पतले नहीं लगते हो। लेकिन इसी तरीके से अगर आप शर्ट पहने, शर्ट के भी कॉलर होते हैं, अच्छे फर्म कॉलर होंगे, वो आपकी अगेन आपकी गर्दन छुपाएंगे। और शर्ट्स हमेशा आप लॉन्ग स्लीव पहनो, शर्ट्स में डू नॉट वेयर हाफ स्लीव शर्ट। अगर आपके हाथ नहीं बने हुए बिल्कुल पतले हैं तो हाफ स्लीव की शर्ट नहीं पहनना, फुल स्लीव की शर्ट पहनना। फुल स्लीव में एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर तुम फुल स्लीव टी शर्ट पहन रहे हो और फुल स्लीव शर्ट पहन रहे हो तो उसकी स्लीव रोल्ड अप करना। स्लीव रोल्ड अप करने से क्या होता है कि आपका हाथ भरा भरा लगता है, पतला नहीं लगता। और मैंने सुना है कि लड़कियों को पसंद है स्लीव रोल्ड अप करना, तो देख लो। टिप नंबर 3 इज वेयरिंग लेयर्स। लेयर्स क्या होते हैं कि कपड़े के ऊपर कपड़े पहनना, इसका मतलब ये कि या तो आप जैकेट पहन सकते हो, आप कोट पहनो, या फिर आप शर्ट पहनो। अगर कोई भी छोटा सा ओकेजन है, कोई पार्टी है, एंगेजमेंट है, शादी है, तो ट्राई करें कि आप ब्लेजर पहने। ब्लेजर एक फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लुक देता है, आप उसको टी शर्ट के साथ पहनो, शर्ट के साथ पहनो, मतलब वो आपको एक ब्रॉड फील देता है, लगता है कि आप यार भरे भरे हो, सूखे कांकड़ी नहीं। अगर आप यूनिवर्सिटी में, आप कॉलेज में, तो यार टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनो, आप उससे भरे भरे भी लगते हो और फुल एक स्टड फील देता है। लेकिन अगर आप ऑफिस जाते हो, आप यूनिवर्सिटी का टाइम आपका खत्म हो गया, तो यार अवॉइड करना इस तरह की ड्रेसिंग, क्योंकि यार ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज की हद तक ही अच्छे लगते हैं। हाँ अगर तुम फार्म हाउस जा रहे हो या बीच जा रहे हो तब पहन लो, लेकिन ये ऑफिस में नहीं यार, ऑफ लगता है। और सर्दियों में तो यार जैकेट पहनो, लेदर की जैकेट पहनो, बॉम्बर जैकेट पहनो, दूर से लगता है यार कोई बॉडी बिल्डर आ रहा है, वो कहते हैं यार दूर, इस बंदे से पंगे नहीं लेना है, दूर, टाटा बाय बाय। टिप नंबर 4 इज वेयरिंग
हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स। अब ये क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। कुछ आपकी शर्ट या टी शर्ट ऐसी होती है जिसमें आपकी लाइन्स यूँ वर्टिकल होती हैं, सीधी होती हैं, और आपकी जो ग्राफिक बना होता है वो भी सीधा होता है, जिसकी वजह से आप और पतले और श्रिंक लगते हो। तो ट्राई टू वेयर ऐसी शर्ट ऐसी टी शर्ट जिनकी जो लाइन्स होती हैं या कोई भी आपका पैटर्न हो वो यूँ वर्टिकल लाइन में हो। वर्टिकल लाइन क्या करता है, आपको विजुअली आपको ब्रॉड करता है। तो अवॉइड वेयरिंग ऐसी शर्ट जिनमें वर्टिकल लाइन्स हो, वर्टिकल डिजाइन हो, और वो शर्ट पहने जिनमें आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो और हॉरिजॉन्टल डिजाइन हो। टिप नंबर 5 इज पैंट्स। अगर तुम पतले हो और तुमने अगर स्किनी जीन्स पहनी तो तुम ऐसे लगोगे, बोलते हैं ना चिकन लेग, बिल्कुल चिकन लेग लगोगे। मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि यार अवॉइड करें स्किनी जीन्स पहनना, क्योंकि यार वो आपकी टांगों को बहुत पतला कर देती है। भले तुम्हारी टांगे थाइज बनी हुई हो लेकिन बहुत बुरी लग रही होती है। स्लिम फिट जीन्स तुम लोगों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो थाइज से थोड़ी लूज होती है और नीचे आके नैरो होती है, और थाइज से तुम्हें लूज होंगी तो एक भरा भरा सा फील देंगे और नीचे आके नैरो होंगी, बोलते ना उधम लुक, वो लुक देंगी बिल्कुल। और अगर वो नैरो ना हो तो अगेन किसी भी यार टेलर को पकड़ो, उससे फिटिंग करा लो, 50 रुपये दो यार, टेलर फिटिंग कर देता है 50 रुपये में। तो प्लीज़ लूज जीन्स ना पहनो। अगर हम बॉटम की बात कर ही रहे हैं, मतलब नीचे के एरिया की बात कर ही रहे हैं, तो उसमें हमारे शूज भी आते हैं, विच इज टिप नंबर 6। अगर आप पतले हो तो अवॉइड वेयरिंग बल्की शूज, क्योंकि वो आपको पतला दिखा रहा है। जितनी भारी और बड़ी चीज पहनोगे वो आपको पतला और दिखाएगी। ट्राई टू वेयर अच्छे स्लीक और फिटेड शूज, बूट्स हों, ट्रेनर्स हों, आपके स्नीकर्स हों, अच्छे से स्लीक से पहनो, बल्की और भारी से जूते नहीं पहनने। टिप नंबर 7 एक्सेसरीज। अगर तुम पतले हो तो अच्छी सी पतली सी स्लीक सी घड़ी पहनो, डू नॉट वेयर वो बल्कि जो इतने बड़े डायल वाली घड़ियाँ होती हैं वो ना पहनो। और प्लीज़ यार हाथों में ये झुनझुने और ये जो इतनी सारी चीज़ें पहनो होते ना, प्लीज़ इनको छोड़ दो। अगर कुछ पहनना है ना, कुछ भी पहनना है, छोटा मोटा बीट्स पहन लो, छोटा सा लेदर का कोई स्ट्रैप पहन लो। लेदर मैं गर्मियों में अवॉइड करूँगी और गर्मी लगती है उससे। कोई पतले से अच्छे से बीट्स पहन लो, लेकिन जो इतनी सारी जो होती है ना, ये जो झुनझुने हाथ में भरे हुए होते हैं, तो यार वो ना पहनो। उससे तुम्हें यार मतलब वो बहुत एक तो बुरा लग रहा होता है और यार तुम्हें और पतला दिखाता है। तो यार अच्छी सी पतली सी स्लीक सी घड़ी पहनो, अच्छे से छोटे से बीट्स पहन लो साथ, ज़्यादा भार बढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सेसरीज में आपकी बेल्ट भी आती है, तो यार बड़े जो बेल्ट होते हैं वो ना पहनो, ना बड़ा बकल पहनो, ना बड़ा स्ट्रैप वाली बेल्ट पहनो, अच्छी सी पतली सी स्लीक सी बेल्ट पहनो जिसमें बकल भी छोटा हो। क्योंकि यार वही बात आती है, जितनी बड़ी चीज़ आप पहनोगे वो आपको और पतला और सूखा दिखाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज Going to gym। यार ये जो मैंने सारे टिप्स तुम्हें बताया ना, ये एक temporary solution है। अगर तुम्हें permanent solution चाहिए तो यार अच्छा खाना खाओ, अच्छी diet करो और जिम जाओ। अगर तुम्हारी अच्छी बॉडी बन जाएगी ना, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारे 16 इंच के बाइसेप हो, तुम्हारा अच्छा खासा चेस्ट हो तो तुम तभी अच्छे लगोगे। एक अच्छी हल्की फुल्की सी भी बॉडी तुम्हारी बन जाएगी ना, तो तुम भले तुम 200 रुपये की भी टी शर्ट पहनोगे ना, तुम अच्छे लगोगे। तुम 5000 की शर्ट पहनोगे या 300 की शर्ट पहनोगे, सिर्फ कपड़े का फर्क होगा लेकिन लगोगे दोनों में अच्छे तुम। गाइस दिस वाज इट आज के लिए इतना ही। अगर आप पतले हो और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया है तो ये वीडियो देखो और फिर से बढ़ा दो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पे कहीं पे एक गोल सा आइकन आ रहा होगा, इसको जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ। टिल देन स्टे फिट एंड स्लेट। अडियोस।